हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग श्रेयांश डायरीज। कैसे हैं आप सब? और ये है सुबह की मॉर्निंग के साथ प्यारे प्यारे फ्लावर्स। और हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। टाइम हो चुका था 8:30 से ज़्यादा और हम लोगों ने कर लिया था ब्रेकफास्ट। और अभी घर से हम सब लोग जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में अनुज उतर जाएगा क्योंकि वो जाएगा अपनी क्लासेस, और उसके बाद हम लोग आगे की तरफ जाएंगे। हम लोग पहुंच चुके थे अनुज की कोचिंग क्लासेस के पास में, सो हमने साइड में गाड़ी रोकी। अब अनुज उतर रहा है, वो लेगा अपना बैग और वो जाएगा कोचिंग के लिए। बाकी हम सब लोग जाएंगे आगे। रास्ते में जाते हुए पड़ता है मूडो का काफ़ी बड़ा मार्केट, राइट और लेफ्ट दोनों साइड ही है। सो हम भी देखेंगे, बट अभी तो हम जा रहे हैं, अभी थोड़ा लेट हो जाएगा। सो आते टाइम, रात के टाइम देखते हैं, अगर कुछ अच्छा लगा तो हम भी ज़रूर लेंगे। और हम पहुंच चुके थे टोल के पास, और ये देखिए कैसे गाड़ी ठुकी पड़ी है। रंग बिरंगी ट्रेन, देखा मैंने डबल डेकर। अब हम पहुंच चुके थे हॉस्पिटल और हम आ चुके हैं जल्दी, और डॉक्टर अभी तक आए नहीं हैं। और ये है हॉस्पिटल का बाहर से व्यू, ये देखिए, और काफ़ी सुंदर प्लांट्स भी लगा रखे हैं और यहाँ पे झंडा भी लग रखा है। और अभी ये हॉस्पिटल मतलब नया ही खुला है, और ये देखिए यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स भी लगे हैं। ये लगा है हिबिस्कस का फ्लावर, जिसे बोलते हैं गुड़हल, पिंक और येलो कलर का है। अब चलते हैं हम लोग अंदर और देखते हैं अंदर का व्यू। यहाँ पे भी काफ़ी सुंदर प्लांट्स रखे हुए थे, एक जैसे ये वाले फ्लावर पॉट काफ़ी सुंदर लग रहे थे। फिर हम लोग गए रिसेप्शन की तरफ, फिर वहाँ पे हमने बनवाया ओपीडी का पेपर। और लेकिन गन्नू की यहाँ पे आते आते बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, इसको काफ़ी फीवर भी हो गया था, साथ में इसने इतनी सारी वॉमिटिंग भी कर दी थी। सो हमने वहीं से फार्मेसी से दवाई ली और दवाई दी उसको, तो थोड़ा सा आराम पड़ गया था। और हम जा रहे हैं ऊपर वेटिंग एरिया में बैठने के लिए, वहीं पे वेट करेंगे और उसके बाद हम दिखाएंगे डॉक्टर को। और हमें यहाँ पे आने में ही 2.5 घंटे से ज़्यादा का टाइम लग गया था, तो काफ़ी थक भी चुके थे। और अभी टाइम हो रहा था थोड़ा खाना या स्नैक्स कुछ खाने का, और गन्नू को लग रही थी भूख। तो वेट करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। यहाँ पे पीछे है एक कैंटीन। ये ऑक्सीजन का है, मुझे लगा यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई का कुछ यूनिट बना रखा है, बट ये वाटर ट्रीटमेंट का था। और ये देखिए यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स लगे हुए हैं, और ये सारे रोज़ हैं अलग अलग वैरायटी के, छोटा बड़ा सब है यहाँ पे। और देखिए कितने प्यारे प्यारे कलर भी हैं इनके। तो चलिए चलते हैं कैंटीन में। और हम आ चुके थे कैंटीन के अंदर और हमने ऑर्डर किया था छोले राइस, और मैंने भी छोले राइस खाया है, गन्नू की डैडी ने भी, और गन्नू को खानी थी मैगी, तो उनकी मैगी दे दी है ऑर्डर पे। अभी ऑर्डर नहीं आया, हम लोग क्या आ गया था। और यहाँ पे आ चुकी है मैगी, बट गन्नू मैगी को देख के बहुत अफसोस में पड़ गया था, क्योंकि इसमें टमाटो प्याज था और वो खाता है ओनली प्लेन मैगी। और हमको भी भैया को बताना याद नहीं रहा कि आप एक प्लेन मैगी और एक ऐसी मैगी बनाना, बट क्या करें अब आ गई है तो खानी पड़ेगी। सो जैसे तैसे करके टमाटो और प्याज को साइड में किया, और फिर उसके बाद गन्नू ने खाई फिर मैगी। गन्नू ने पूरी मैगी फिनिश नहीं की थी, सो उसके बदले की मैगी खा रहे हैं उसके डैडी। और यहाँ पर सब लोग पी रहे हैं रियल जूस, और ये चॉकलेट ली है गन्नू के लिए। और अब हम जा रहे तो हैं वापस ऊपर की तरफ, और ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये फ्लावर्स। मेरा मन ही नहीं भर रहा था इनको देखते देखते, तो मैंने सोचा जाते जाते भी इनकी फिर से वीडियो बना लूँ, तो काफ़ी प्यारे लग रहे थे ये। और अब हम जा रहे हैं
क्या है? वाटर ट्रीटमेंट। वो देखो वहाँ उसमें गंदा पानी भरा हुआ उनमें, और एक जगह साफ। ये गंदा पानी है ना? सुना यहाँ भी गर्मी लग रही, ऊपर ही चलते हैं। ये देखिए इस पूरे फ्लोर में क्रैक पड़ चुके हैं और ज़मीन नीचे बैठ गई है, गड्ढा हो गया है, मार्बल भी क्रैक हो चुका है पूरा। और गन्नू यहाँ पे घूम रहा है और अब हम लोग जा रहे हैं अंदर, क्योंकि हमारा काम हो गया है फिनिश और अब हम जाएंगे सीधा घर के लिए। तो हम थोड़ी देर रास्ते में टी और स्नैक्स खाने के लिए रुके थे, काफ़ी थकान हो रही थी। सो अभी जाएंगे हम इस रेस्टोरेंट में, हम आए थे मोगा रेस्टोरेंट में। इसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं यहाँ पे और सब लोग, देखिए कितनी भीड़ हो रही है और सब लोग उतर चुके हैं गाड़ी से, अब हम जाएंगे अंदर। तो हम रुके थे मूड़े की दुकान पे, फिर हम काफ़ी देखने के बाद हमने यहाँ से 2 मूड़े और 1 टेबल लिया और अब हम जा रहे हैं घर की ओर। अब हम पहुंच चुके हैं घर और काफ़ी थक चुके हैं और गन्नू को तो कार में आ गई थी नींद, सो अभी हम लोग करेंगे आराम। गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।